हमें जो पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और भाई ये रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है ये हमारा दूसरे चैप्टर का जो परमाणु संरचना वाला पार्ट है उसका ये टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, चाहे आप किसी भी स्कूल के हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कल मैंने आपको रदरफोर्ड की थोड़ी सी तारीफ भी बताई थी कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मॉडल है, क्योंकि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में बताया था कि रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की थी भाई, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की थी और आज हम पढ़ेंगे इसका मॉडल, ठीक है। तो देखो इसके मॉडल में हमें सबसे पहले एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाना किसका, परमाणु का। और अगर ये डायग्राम हमारी समझ में आ गया ना तो समझ लो ये पूरा मॉडल हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक परमाणु है, एक परमाणु, ठीक है, और इस परमाणु में हम कुछ अल्फा किरणों को भेजेंगे। ये जो अल्फा किरणें आप देख रहे हो भाई ग्रीन कलर में जो मैंने दिखाई, ये अल्फा किरणें हम परमाणु के अंदर थोड़ा सा बाहर की तरफ भेजेंगे, डायरेक्टली अंदर नहीं भेजेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमने कुछ अल्फा किरणों को परमाणु के अंदर से भेजा तो ये किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, है ना, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसका मतलब ये है कि परमाणु एक खोखला गोला है, परमाणु एक खोखला गोला है, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड ने कुछ किरणों को परमाणु के अंदर से भेजा और हुआ क्या, ये जो किरणें थी ये किरणें अपने मार्ग से विचलित होकर इधर उधर निकल जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु के अंदर कोई ठोस पदार्थ तो है, कोई ठोस पदार्थ तो है, लेकिन वो केंद्र पे ही है। और इसी बात को चेक करने के लिए रदरफोर्ड ने कुछ किरणों को परमाणु के ठीक अंदर से भेजा, परमाणु के ठीक अंदर से भेजा, और जैसे ये किरणें ठीक अंदर से गई मतलब मध्य भाग से गई, तो भाई यहाँ से टकराने के बाद ये किरणें वापस उसी तरीके से लौट के आ गई जैसे वो गई थी, ठीक है। अब इन किरणों का वापस लौट के आना इस बात का सबूत है कि परमाणु के अंदर जो भी चीज़ है बीच वाले भाग में वो प्लस की है, क्योंकि जो अल्फा किरणें यहाँ हम देख रहे हैं, अल्फा किरणों की जो प्रकृति होती है वो भी प्लस होती है। तो भाई अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर भागता है, यानी कि हमेशा चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव निगेटिव हो, हमेशा उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, हमेशा एक दूसरे के दूर भागते हैं। वहीं अगर हम बात करें पॉजिटिव निगेटिव की या निगेटिव पॉजिटिव की, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, ठीक है, उतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो जब ये किरणें ठीक मध्य भाग से टकराएंगी तो वापस उसी माध्यम में लौट आएंगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई धनात्मक कण है, कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पार्टिकल है जिसको हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। तो इस तरह से मेरे भाई परमाणु के अंदर एक नाभिक की खोज हुई, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया था आपकी, ये तो थी इसकी थ्योरी। अब हम इसको लिखेंगे और ये प्रैक्टिकल स्वर्ण पत्र पर किया गया था, सोने के पत्र पर किया गया था, है ना, और ऐसे माहौल में किया गया था जहाँ का वोल्टेज बहुत हाई हो। चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका ये छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं ये किसी छोटे मोटे वोल्टेज पर एक्टिव नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पर ही एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पर ये सक्रिय होते हैं। तो इतना क्लियर। अब हमने इसके कुछ निष्कर्ष लिखे थे, निष्कर्ष, तो अब बात करेंगे निष्कर्ष पे, ठीक है। तो आप नंबर एक लिखेंगे, लिखो नंबर एक, ठीक है, लिखो भाई नंबर एक। रदरफोर्ड ने कुछ
रदरफोर्ड ने कुछ अल्फा किरणों को रदरफोर्ड ने कुछ अल्फा किरणों को परमाणु के बाहरी भागों से भेजा ये किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है ठीक है सीधे निकल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु एक खोखला गोला है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबका? ठीक है भाई, इसके बाद आप ठीक है इसके बाद आप नंबर दो लिखेंगे। रदरफोर्ड ने कुछ अल्फा किरणों को परमाणु के थोड़ा अंदर से भेजा। ये किरणें अपने मार्ग से विचलित होकर इधर उधर निकल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के अंदर कोई धनात्मक कण उपस्थित है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर भाई? ठीक है, इसके बाद आप अगला नंबर लिखेंगे। देखो अगले नंबर में पता हम किसके बारे में लिखेंगे भाई? अगले नंबर में लिखेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। तो लिखो तीसरे पॉइंट में लिखिए भाई। इसके बाद रदरफोर्ड ने इसके बाद रदरफोर्ड ने कुछ अल्फा किरणों को कुछ अल्फा किरणों को परमाणु के कुछ अल्फा किरणों को परमाणु के ठीक मध्य भाग से भेजा ठीक मध्य भाग से भेजा ठीक मध्य भाग से भेजा ठीक है
ये किरणें किसी धनात्मक कण से टकराकर, ये किरणें किसी धनात्मक कण से टकराकर वापस लौट आती है, किसी धनात्मक कण से टकराकर वापस लौट आती है, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु में कोई धनात्मक प्रकृति का केंद्र होता है धनात्मक प्रकृति का केंद्र होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। समझ में आया कि इसी नाभिक को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कह सकते हैं। देखो एक बार, तो इस तरीके से नाभिक की खोज क्लियर। चलिए अब इसके बाद का परमाणु मॉडल दरअसल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। वो क्यों नहीं चला, इसका रीज़न है, और इसका रीज़न ये है मेरे भाई, सबसे बड़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो नहीं चला वो इसलिए नहीं चला क्योंकि हमारे पास ये एक परमाणु है, और परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो उसकी ऊर्जा लगातार ख़त्म होती है, और ऊर्जा ख़त्म होने से लगातार परमाणु के सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते नाभिक के अंदर जाके समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर, तो नाभिक के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन जाके नष्ट हो जाएंगे।